हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो जैसा कि हमने कल आरआरबी पीओ मेंस का फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था 2023 का, सो उसी पर ये वीडियो है। आपको स्कोर और बाकी सारी चीजें मैं दिखा दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन मैंने किए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यू रिजल्ट एंड आप लोग भी अपना स्कोर जो से शेयर करना, क्या आपका स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, ठीक है, और क्या आपकी गलतियाँ थी, क्या कुछ था। तो उससे पहले, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऑफर के बारे में बता देता हूँ जो कि काइंडली पर अभी 25 मई तक ही रहेगा। ये है बैंकिंग एग्जाम कार्निवल, जिसमें स्टार्टिंग प्राइस है 99। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें अगर आप कोड यूज़ करते हो RJ12 तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो है क्या इसमें, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा बेसिकली, इसमें क्या है कि जितनी भी काइंडली पर पेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी ही आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी डिस्काउंटेड रेट पर। ठीक है, जितना भी ऑफ है उसके अकॉर्डिंग, और एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा RJ12। तो जैसे कि इसमें बंडल PDF कोर्स है 1279 का है, जिसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोड यूज करके 12% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट लगा सकते हो। प्लेटिनम मॉक टेस्ट सीरीज 669 का है, तो इस पे कोड यूज करके फिर 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो इसमें सारी ही चीजें हैं, टॉपिक वाइज बंडल PDF कोर्स भी है, सुपर प्लान भी है, 80+ प्रिंटेड बुकलेट। डिस्क्रिप्टिव के लिए पूछते हो आप लोग कहाँ से करें, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है इसी में। ठीक है, वो भी आप ले सकते हो अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना चाहते हो तो। और एग्जाम वाइज बंडल PDF तो ये भी आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो, इंग्लिश मास्टरी कोर्स। तो जितना भी कुछ है आपको, अगर जो भी प्राइस लेना है कुछ भी कोर्स वगैरह, तो यहाँ से डायरेक्टली आप कम प्राइस पर ले सकते हो। ठीक है, अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ से एनालिसिस देखते हैं इसका, एंड एक सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने गलतियाँ की हैं। तो रीजनिंग में मैंने ये क्वेश्चन किए थे, कितने हुए थे मेरे जितने, ठीक है, उनमें से एक गलत हुआ है जो कि ये स्टेटमेंट बेस्ड था, डाटा सफिशिएंसी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था। इसमें क्या आंसर क्या आना है, ओनली स्टेटमेंट सेकंड से हम निकाल सकते हैं, और मैंने दोनों को मिला करके कर दिया। बाकी क्वांट मेरा अच्छा नहीं गया यार, इसमें क्वांट में काफी कम ही क्वेश्चन हुए, तो फिर मैंने जो क्वांट में टाइम देना था वो मैंने रीजनिंग में ही दे दिया, तो रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे। ठीक है, बाकी इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट की थी, इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा गलत हुए हैं। आरसी मैंने फिर भी अटेम्प्ट नहीं की इसकी, बाकी तो ये कुछ सारे ही गलत हो गए, लाल 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 दिख रहा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस मैंने इसमें बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं की, क्योंकि वैसे ही पुरानी है तो कोई फ़ायदा नहीं है जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करने का, है ना। कंप्यूटर मैंने अटेम्प्ट किए थे, सारे ही क्वेश्चन कर दिए थे। मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक दो मुझे नहीं भी आते तो तुक्के लगा दिए मैंने उसमें कि देखा जाएगा जो भी होगा, और वो आई थिंक काफ़ी गलत ही हुए हैं, है ना। एक तो ये था कि ये मेरा गलत हो गया, तो फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट कैंडिडेट को तो हम बोलते थे कि क्या बोलते हैं, प्राइमरी की, और जो बाकी के बचे हुए होते हैं उनको अल्टरनेट की बोलते हैं। फिर क्या था, मोस्ट एडवांस्ड मेथड ऑफ फिशिंग इन विच द अटैकर्स क्रिएट डुप्लीकेट और सिमिलर लुकिंग वेबसाइट, तो ये होता है फार्मिंग। ठीक है, 170, ये क्या गलत हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पावर पॉइंट अलाउ यू टू कॉपी द एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू अनदर, तो ये होता है एनिमेशन प्रिंटर। मैंने फॉर्मेट प्रिंटर कर दिया। और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कौन कौन सी हम फाइल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, डॉट वेव और डॉट MIDI, तो ये दो फाइल्स ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैन का जो एरिया होता है लेस देन 50 होता है, ओके। इन टर्म ऑफ द इन टर्म व्हाट इज द टर्म गिवन टू सॉफ्टवेयर दैट हैज सो मेनी फीचर्स दैट इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल डिस्क स्पेस एंड मेमोरी रिसोर्स टू रन, ये होता है ब्लॉटवेयर। ओके, और क्या गलत हुआ है, ये दो क्वेश्चन थे तो मुझे डाउट था हब होगा या ब्रिज होगा, तो सेम क्वेश्चन थे दोनों ही, तो एक में मैंने हब लगा दिया और एक में ब्रिज लगा दिया, तो सही वाला था ब्रिज, हब मेरा गलत था।
तो है क्या ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट सेपरेट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट विद वन लोकल नेटवर्क। तो एक लोकल नेटवर्क से तो दो और मोर नेटवर्क कैसे हो सकता है, तो ये ब्रिज काम करता है इस तरीके से। फिर एक ये क्वेश्चन गलत हो गया, इफ द कीबोर्ड कीज अल्टर देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन दे प्रेसेस, दोज काइंड्स ऑफ की आर कॉल्ड टॉगल की। तो ये कुछ था भाई, बाकी अभी मैं इसका एनालिसिस भी करना बाकी, आज मैंने नहीं किया अभी तक, फिर बाकी की चीजें मैं कर रहा था कवर, तो अभी शाम को ही करूंगा इसको। तो मैं बाकी आप लोग लगा लेना, नहीं लगाया तो अभी तक प्रॉपर एनालिसिस जरूर करना, जिससे पता लगे कि कौन से क्वेश्चन और थे आपको लगाने चाहिए थे या कहाँ आपने गलतियां की हैं, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अभी स्कोर बता देता हूँ, मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना है 77.6 बना है, 98 परसेंटाइल। तो रीजनिंग में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, यूँ 1 घंटा 5 मिनट मैंने रीजनिंग में दिया है। वैसे जो रीजनिंग इसमें थी ना, इतनी ये भी एग्जाम से थोड़ी सी हाई ही थी, इतना नहीं था एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में इससे इजी ही था, तो आप अगर कम टाइम भी दोगे तो 20 से ज़्यादा स्कोर आप रियल एग्जाम में कर लोगे। बाकी पता नहीं इस साल कैसा है एग्जाम, है ना, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी तो एग्जाम में ही पता चलेगा किस तरीके क्या लेवल है एग्जाम का। सो आप लोग बताना गाइस आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, और सेक्शन वाइज बताना कितना कितना आपने हर सेक्शन में कितना स्कोर किया है। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।